लखनऊ से बड़ी खबर, जहां यूपीएससी अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन धरना। सैकड़ों अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। पिकअप भवन स्थित कार्यालय पर धरने पर बैठे हैं ये अभ्यर्थी, और ग्राम विकास पंचायत अधिकारी की नियुक्ति की मांग इनकी तरफ से की जा रही। तो 6 महीने बीत जाने के बावजूद नहीं हो सकी है नियुक्ति, और इसी नियुक्ति की मांग को लेकर अब जो है यहाँ पर नाराजगी इनकी तरफ से जाहिर की जा रही है। दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाई है। 5 बार बढ़ चुकी है सत्यापन की डेट। तो VDO DB अभ्यर्थियों में UPSSC के खिलाफ आक्रोश जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई, जिसके चलते नाराजगी देखने को मिल रही है। सर, हम लोगों का PTO की भर्ती थी सर 2018 की, अप्रैल 2018 में आई, और सर इसका फिर एग्ज़ाम हुआ 22 और 23 दिसंबर को, और उसके 8 महीने बाद लगभग 28 अगस्त को सर 2019 में इसका रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट सर। उसके बाद सर हम लोगों का 6 महीने पूरे होने को है, लेकिन अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग के नाम पर हम लोग हमारा ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा हुई थी दिसंबर में, 22 और 23 दिसंबर को। 8 महीने बाद इसका रिजल्ट 28 अगस्त को रिजल्ट आया, और उसके बाद से ये देखिए DB के लिए इन्होंने 5 बार बताया, 5 बार से भी ज़्यादा इन्होंने वेबसाइट पे डाला कि हम अक्टूबर से ये DB करा रहे हैं हमारी, लेकिन अभी तक इनकी DB नहीं हो पाई है। ये हर बार हमें वेबसाइट पे आश्वासन देते हैं, हम तब से 5 महीने होने को आए हैं हमारे रिजल्ट आने के बाद से, हम कई बार धरने पे आए हैं, कई बार पूछने आए हैं, ये आश्वासन दे देते हैं कि नहीं इस महीने हो जाएगा, उस महीने हो जाएगा, लेकिन अभी तक हमारा DB नहीं हुआ है। तो सुरा आपने किस तरह से नाराजगी जाहिर करते हुए ये अभ्यर्थी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो सत्यापन की प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हो पाई है, और बार बार जो सत्यापन डेट है उसको 5 बार बढ़ाया जा चुका है, जिसके चलते इनमें नाराजगी, और इस नाराजगी को जाहिर करते हुए धरने पर बैठे हैं ये अभ्यर्थी। और संवाददाता अरुण चतुर्वेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, अभ्यर्थियों में नाराजगी, धरने पर बैठकर अब नाराजगी जाहिर करते हुए दिख रहे हैं अभ्यर्थी, ये बात जायज है? क्योंकि लगातार जिस हिसाब से 2 साल हो गए हैं इनको वीडियो की परीक्षा दिए हुए हैं, लेकिन अभी डॉक्यूमेंट का सत्यापन इनका नहीं हो पाया। इससे पहले भी इन्होंने धरना प्रदर्शन नवंबर दिसंबर में किया था, जब इनकी मांग नहीं पूरी हुई थी, तो इसके बाद इन्होंने लेटर दिया था कि अगर इनका सत्यापन नहीं किया जाएगा तो ये 6 फरवरी से धरने पर बैठेंगे। इसके बाद भी सत्यापन नहीं किया तो आज विद्यार्थी जो है खुद अनिश्चितकालीन से धरने बैठे हैं कि जब तक इनके डॉक्यूमेंट का सत्यापन नहीं कराया जाएगा तब तक इनका धरना प्रदर्शन नहीं खत्म होगा। जी बिल्कुल, लेकिन अब जिस तरह से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, और ये नाराजगी होना लाजमी भी है कहीं ना कहीं अरुण, क्योंकि 5 बार इस डेट को बढ़ाया जा चुका है, इन तमाम चीजों को लेकर जो विभाग के अधिकारी हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है कि आखिर क्यों इस तरह की लापरवाही, इस तरह की कोताही बरती जा रही है? जी, अभी जो इनका सत्यापन डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए डेटें पूरी तरह से निर्धारित नहीं हो पा रही है, इस वजह से डेट को आगे लगातार बढ़ाया जा रहा है। जब सरकार की तरफ से कम से कोई आश्वासन आ जाता है कि कब इनके डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा तब इनको तारीख बताई जाएगी। फिलहाल अभी अधिकारी और इनसे विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनका डॉक्यूमेंट सत्यापन कराया जाएगा, लेकिन विद्यार्थी कहना है कि जब तक इनको हल होता हुआ दिख रहा है, समझाने की किस तरह से कोशिश, विद्यार्थियों का कहना है कि जब तक लिखित से कोई नहीं इनको आश्वासन मिलता है फिर किस डेट तक इनका डॉक्यूमेंट सत्यापन कराया जाएगा, जब तक ये कुछ नहीं मिलता है तब तक इनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। अभ्यर्थी तो पूरी तरह से आर पार की लड़ाई के मूड में जो है अरुण दिख रहे हैं, लेकिन अगर प्रशासन की बात करें तो उनकी तरफ से किस तरह से कोशिश की जा रही है, क्योंकि चुनौती कहीं ना कहीं फिलहाल ये नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है विभाग के लिए। जी देखिए, अभी तक फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि विद्यार्थी से बात करें, लेकिन अभी मौके पर कोई भी अधिकारी इनसे बात करने के लिए नहीं आया है। फिलहाल विद्यार्थियों को कहना है कि अनिश्चितकालीन धरना रहेगा जब तक इनको कोई ठोस नहीं कोई वचन मिलता है कि आखिर किस धरना प्रदर्शन इनका जारी रहेगा। अगर ठोस जब तक अधिकारी इनको लिखित कोई चीज नहीं देता है तब तक ये धरना प्रदर्शन नहीं खत्म करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।